दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हॉटस्पॉट स्टडी पर एसएससी जीडी 2018 का दोस्तों हम आपको शेड्यूल बताने वाले हैं आपके फाइनल रिज़ल्ट का ठीक है देखिए दोस्तों हमारे पास एक नोटिस है जो कि मैं आपको बता दूं ये पुराना नोटिस है लेकिन इस नोटिस के मुताबिक ही आपके इसमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से मैं आपको जो है रिज़ल्ट बताने वाला हूँ आपका कब रिलीज़ हो जाएगा ठीक है आप खुद ही समझ जाएंगे ये नोटिस को देखकर बहुत ही ज़्यादा आसानी से दोस्तों आप हॉटस्पॉट स्टडी पर नए आए हैं तो हॉटस्पॉट स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको एसएससी जीडी की और जो भी नई वैकेंसी आती हैं उसकी हम पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाते हैं तो सब्सक्राइब कर लें देखिए दोस्तों आप सभी ये नोटिस को देख पा रहे होंगे मैंने आपको पहले ही बोला है ये नोटिस जो है पुराना है ठीक है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा काम का नोटिस है आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी देखिए सी टी जी डी दो इज़ एन एज़ अंडर अब यहाँ पर आप देखेंगे टेंटेटिव डेट दी हुई थी आपको मालूम है कि आपका जो मेडिकल हुआ था 9 एक 9 जनवरी 2020 से 13 फरवरी 2020 तक हुआ था ठीक है ये आपकी डी एम ए की डेट थी अब देखिए रीमेडिकल डेट अब री मेडिकल डेट क्या दी थी री मेडिकल डेट का समय दिया था इसने फेबरवरी से मार्च तक लेकिन कोरोना वायरस की वजह से दोस्तों कोविड नाइन्टीन की वजह से ये हुआ नहीं था उस समय ठीक है ये उस समय हुआ नहीं था फेबरुरी में ये नहीं हुआ फेबरवरी मार्च में इसने ख़त्म करने का बोल दिया था इस नोटिस में ठीक है ये बिल्कुल सही है ध्यान से समझना और इसने बोला था कि मार्च में जो है आपका जो है री मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो होगा लास्ट वीक ऑफ मार्च या फिर अप्रैल देखिए लास्ट वीक ऑफ मार्च टू अप्रैल मतलब कि लास्ट वीक ऑफ मार्च में या फिर अप्रैल में ये रिलीज़ हो जाएगा और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेंटेटिव डेट या फिर मंथ ये अनुमानित दिनांक और अनुमान अनुमानित मंथ होता है इसका मतलब ठीक है तो ये अनुमानित था कि मार्च में लास्ट में या फिर अप्रैल में इसको रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है आ, रिसिप्ट आएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की मई में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो मई में रिलीज कर दी जाएगी मई के महीने में ठीक है उसके बाद जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो जून में आ जाएगा और जो ज्वाइनिंग है ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट है जुलाई में हो जाएगी आप लोगों को जैसे पता है कि जुलाई में ट्रेनिंग का शेड्यूल भी आया था शायद सी आई एस एफ का था वो है ना जुलाई में था एस एस सी डी डी को लेकर बहुत ज़्यादा हमने उसको कवर किया था आपको उसके ऊपर वीडियो भी बताकर बताई थी अभी आप इस चीज़ को देखिए दोस्तों कि एक महीने के अंदर अंदर इसने सारी चीज़ें करी हुई हैं यहाँ पर आपका क्लियर हुआ डी एम ई उसके बाद मार्च में यहाँ पर आपका री मेडिकल यदि क्लियर होता तो अप्रैल में हम अप्रैल मान लेते हैं ज़्यादा ज़्यादा अप्रैल में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर करने का बोला था सिर्फ और सिर्फ़ एक महीने में मतलब आपका अभी री मेडिकल कम्प्लीट हो चुका है और एक महीने में आपका जो है रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर किया जाएगा ठीक है इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ लें बहुत अच्छी दोस्तों ये आपके लिए खबर है क्योंकि आप लोग बहुत समय से वेट कर रहे थे ये नोटिस पुराना है लेकिन इसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि किस किस समय पर क्या क्या चीज़ें आपके एस एस की वैकेंसी में होने वाली थी परंतु कोविड के कारण वो उस समय नहीं हो पाई लेकिन जो शेड्यूल है दोस्तों यही रहेगा एक महीने के अंदर आपका जो है रिज़ल्ट इसमें डिक्लेयर करने की बात कही गई थी आपको दोस्तों वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा होगा समझ में आई होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिए जिनने जी डी कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम दिया था जो लोग फाइनल मेरिट का वेट कर रहे हैं आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं और आप हमें मार्क्स uh, बताइएगा आपके मार्क्स कितने हैं कितने ज़्यादा हैं आपके कट ऑफ से एक नंबर दो नंबर तीन नंबर जो भी ज़्यादा हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना